গুড মর্নিং। তো তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ এই পাখির ডাকগুলি? এনিওয়ে আমি তো ভাবলাম আজকের ভিডিওটা পুরো বাংলায় শ্যুট করব, কিন্তু দেন ভাবলাম যে ম্যাক্সিমাম বাঙালি তো হিন্দি বুঝতে পারে, বাট হিন্দিরা সবাই যারা নন বেঙ্গলি যারা তারা সবাই বাংলা বুঝতে পারে না, তো তাই হিন্দিতেই শ্যুট করি। তো এখন বাজছে 5:20 AM অ্যান্ড উই আর রেডি টু গো টু দক্ষিণেশ্বর। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি, সরি সুবহ সুবহ নিকল গয়ে হ্যায় তাকি ভিড় মে না ফসে, বিকজ আজ আজ উইকেন্ড হ্যায় অ্যান্ড হমে পতা হ্যায় উইকেন্ড মে বহুত জ্যাদা ভিড় হোতি হ্যায়, তো ইসলিয়ে হম সুবহ সুবহ নিকল পা রহে হ্যায়, দেখতে হ্যায় ক্যাসে জাতে হ্যায়। হম তো যা রহে হ্যায় আপনে পার্সোনাল কার সে, বাট ওয়াহা পর জাকে মে সারি ডিটেলস আপকো দে দুঙ্গি, ওয়াহা কে টাইমিংস অ্যান্ড ওয়াহা কে জো চার্জেস হ্যায় এভরিথিং আই উইল প্রোভাইড ইউ, বাট ইউ কিপ ওয়াচিং দিস ভিডিও টিল দি এন্ড অ্যান্ড আই হোপ ইউ লাইক দিস ভিডিও। বহুত দিন সে মন থা কি দক্ষিণেশ্বর যাও, তো আজ ইয়ে পুরা হো রা হ্যায়, তো স্টে উইথ মি অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং দিস ভিডিও। রাত কো তো বহুত বারিশ হুই থি অ্যান্ড দেখিয়ে রাস্তা কিতনা খালি সা হ্যায়। মন্দির মে আপকো স্যাটারডে সন্ডে অ্যান্ড টিউজডে কো বহুত জ্যাদা ভিড় মিলেগি, সো আপ লোক কোশিশ করনা কি দুসরে ডেজ মে প্ল্যান বানাও, ইয়া ऐसे डेज में जाना है तो सुबह सुबह निकल जाओ। वैसे सुबह सुबह हम लोगों को उठ जाना चाहिए, कभी कभी अच्छा होता है। मुझे तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, नींद भी चली गई है, दैट इज द मेन पॉइंट। बट यार बहुत सुकून सा है अभी सुबह सुबह यहाँ पर। तो एंड और एक बात, दक्षिणेश्वर जाने के लिए बेलगुड़िया एक्सप्रेसवे हम लेते हैं, वो रात को बंद हो जाता है, सो आपको सुबह सुबह वो तो बंद मिलेगी। हम लोगों ने क्या किया था, गूगल मैप के हेल्प से अल्टरनेट रूट ले लिया था। गाड़ी कहीं जाएगा क्या? देख लो, हम पहुंच गए हैं गाइस, रानी राजमुनि स्काईवॉक है ये, देखिए अभी हम पार्किंग के लाइन में हैं। ये तो बहुत लंबा सा लाइन है, आई थिंक यू कैन सी और नॉट, आई एम नॉट श्योर, लेट मी शो यू, शायद इतना विजिबल नहीं हो पा रहा है। देखिए कितना पार्किंग का लाइन लगा हुआ है, शायद अर्ली मॉर्निंग है, अभी तक खुला नहीं है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, देखते हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के एग्जैक्ट 6 AM एंड अभी खुला नहीं है पार्किंग, तो सब पार्किंग के लाइन में खड़े हैं, देखते हैं कब खुलता है, खुल जाएगा क्योंकि 6 बजे टाइमिंग है, तो आई थिंक वी आर ऑन टाइम, थोड़ा वेट करना पड़ेगा मे बी, लेट्स सी, आई विल अपडेट यू। दो गाड़ी और है। अभी लाइन लगते ही रहेगा, गेट खुल गया है तो हम तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 6:04 तक पार्किंग खुल गई थी, पार्किंग का टोकन तो कटेगा, जितने आवर्स आप स्पेंड करोगे उसके हिसाब से चार्जेस है। मैं आपको बता दूंगी कितना हम लोगों को लगा, आप ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना सारी इन्फॉर्मेशन्स नहीं मिल पाएंगी। मंदिर का टाइमिंग होगा सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, उसके बाद फिर से 3:30 बजे खुलती है जो 8:30 बजे तक रहती है।
आपको यहाँ पर खाने के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, छोटे छोटे बहुत सारे खाने के स्टॉल्स। आप अपना पूजा कंप्लीट करके वहाँ से खा भी सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पार्किंग एरिया है, एक साइड में 2 व्हीलर्स एंड दूसरे साइड पे 4 व्हीलर्स है। अगर आपके पास पर्सनल कार है तो आप अपने सैंडल्स, कैमरा, बिलोंगिंग्स कार में ही छोड़ सकते हो, अदरवाइज अंदर आपको जमा करना पड़ेगा। मोबाइल्स, कैमराज आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेंपल एरिया, एंड ऐसा बोलते हैं कि नॉन लेदर बैग्स आर अलाउड। लेदर वाली बैग भी आपको जमा करके रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों ने लाइन लगाई है, यहाँ पर हम भी अभी लाइन में लगेंगे। मॉर्निंग का टाइम है तो ज़्यादा आपको भीड़ भी नहीं लग रही होगी, वरना बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लगता है। यहाँ पे आपको अपनी बिलोंगिंग्स जमा करना है। चार्जेस मैं आपको स्क्रीन में दिखा देती हूँ। जूतों का वैसे है 3 रुपीज़ पर पैर, एंड बाकी आप स्क्रीन में देख सकते हो। प्रसाद के अलावा अगर और भी कुछ आपको माँ को चढ़ाना है तो आप प्लीज़ वहाँ पर उस टाइम पे कंफर्म कर लीजिएगा कि अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ़ द टाइम सिर्फ प्रसाद ही अलाउ करते हैं अंदर। राइट साइड में आपको ये सारी दुकानें मिलेंगी, देख रहे हैं ना आप स्क्रीन में। यहाँ से आप प्रसाद एंड पूजा की सामग्री खरीद सकते हो। ये टेंपल का गेट है, आपको थोड़ा दिख रहा होगा टेंपल बाहर से। और ये रानी राशमोनी का टेंपल है। और ये एरिया है मंदिर के पीछे की तरफ। ये जो आप मंदिरें देख रहे हो ना, छोटी छोटी मंदिरें बनी हुई है, ये सारे शिव जी की मंदिर है। आप अभी बैक साइड देख पा रहे हो। दोनों साइड में आपको घाट मिल जाएंगे जहाँ पर आप स्नान कर सकते हो। अभी फ़िलहाल तो 2 ही घाट खुली हुई है। ओके, तो मैं अभी बताती हूँ हमारी पार्किंग के चार्जेस कितने हुए थे। 2 आवर्स हमें लग गए थे, 6 to 8, तो 2 घंटे का इन लोगों ने चार्ज किया था 50 रुपीज़। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। पहला तो ये कि अगर आप विज़िट कर रहे हो रेनी सीज़न में, आपको लग रहा है कि बारिश हो भी सकती है, तो आप बिल्कुल अपना छाता लेके जाइएगा, क्योंकि एक बार आप लाइन में लग गए मंदिर के अंदर तो आप लाइन से निकल नहीं सकते, है ना। अगर बारिश हो गई तब तो आप पूरी भीग जाओगे। और एक बात, मंदिर के अंदर आपको 3 लाइन दिख सकती है। 2 लाइन में तो आपको माँ की साइड व्यू मिल जाएंगी, और 1 लाइन देखोगे आप, बहुत लंबी लाइन है, वहाँ से ही आप कोशिश करना कि लाइन में लगो, क्योंकि वहाँ से आपको माँ की फ्रंट व्यू मिलेगी एंड अच्छे से आप देख पाओगे। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी मेरे को मोटिवेशन मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।